आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिमालय के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन K2 स्थित है। ट्रांस हिमालय के बाद भारत में महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर, और इस की जो चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटियाँ हैं, वह साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, जैसे नंदा देवी, नंगा पर्वत और कंचनजंगा प्रमुख चोटियाँ हैं। इस भाग पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। इस पे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू घाटी प्रमुख घाटियाँ पाई जाती हैं। इस भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग, हिमाचल में बुग्याल और उत्तराखंड में प्यार के नाम से जाना जाता है। इस चोटी के नीचे पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर और पूर्व में कोसी नदी के मध्य शिवालिक श्रेणी या वाह हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इस चोटी को कटी-फटी अवस्था में छोड़ देती हैं और इसके ऊपरी भाग में भावर के मैदान का निर्माण होता है और उसके नीचे तराई। इसके इस श्रेणी के ऊपरी भाग को दून द्वार और निचले भाग को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार, कोट द्वार, कोटली दून, और ये उपजाऊ मैदान के नाम से जाने जाते हैं।